लंबे समय से डिपू धारकों की समस्याओं की अनदेखी करने पर प्रदेश डिपू धारक मुखर हो गए हैं। हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को डिपू धारकों ने ज्ञापन सौंपकर दो टूक शब्दों में चेताया है कि कांगड़ा चंबा से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर को वोट नहीं देंगे, क्योंकि काफी समय से किशन कपूर ने डिपू धारकों की अनदेखी की है। प्रदेश डिपू धारक संघ के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि लंबे समय से खाद्य आपूर्ति मंत्री ने डिपू धारकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई है, जिससे डिपू धारकों में गहरा रोष है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किशन कपूर के विरोध को नकारा है। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास ज्ञापन सौंपकर जल्द डिपू धारकों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि डिपू धारक जम्मू, केरला और तमिलनाडु सरकारों की तर्ज पर वेतनमान चाहते हैं। कवि ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर समस्याओं को बताया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनावों के बाद डिपू धारकों के लिए पॉलिसी सरकार जरूर बनाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने समस्या दूर करने की बजाय डिपू धारकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि डिपू धारक कांगड़ा चंबा सीट पर प्रत्याशी किशन कपूर का विरोध जताते हुए उन्हें वोट नहीं करेंगे। कि जो डिपू होल्डरों की लंबित मांगे जो पिछले लंबे समय से हैं, उनको जो वो अमलीजामा जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और हम लोकसभा चुनावों में हम आपके साथ हैं और पिछले विधानसभा चुनावों में भी हमने भाजपा का साथ दिया था। और अगर इस वक्त हमें कोई आश्वासन मिलता है सरकार की तरफ से, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि इलेक्शनों के बाद जो वो आपके बारे में सोचा जाएगा और आपकी पॉलिसी जो बनाई जाएगी, और पॉलिसी फ्रेम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं, उनके ऊपर जो वो तर्क संबंधित अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक वो मामला जो लंबित पड़ा है। तो हमारे जो माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री है, हम इनसे कई बार मिल चुके, लेकिन हमें माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिला, उल्टा हमें प्रताड़ित किया गया। तो हो सकता है डिपू होल्डर जो है वो कांगड़ा सीट पर जो भाजपा का विरोध करें, अभी हम ये निर्णय लेंगे, शीघ्र ही निर्णय लेंगे। अभी दूरभाष पर हमारा हम संपर्क इनसे साध रहे हैं। सिर्फ कांगड़ा सीट पे क्यों, बाकी हमीरपुर और सारी, क्योंकि वो खाद्य आपूर्ति मंत्री हमारे कांगड़ा से है और वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। ये रोष सिर्फ खाद्य आपूर्ति मंत्री से की पूरी सरकार से है? पूरी सरकार से रोष नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी फ्रेम करने के लिए जो आदेश जारी किए हैं, तो हमारा पूरी भाजपा सरकार से या हिमाचल सरकार से हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ जो कांगड़ा के प्रत्याशी श्री कृष्ण कपूर जी हैं उनसे है, क्योंकि उन्हें हमें प्रताड़ित किया है। हम ये चाहते हैं कि हमें जम्मू, केरला और गोवा और तमिलनाडु, इन सरकारों की तरह पर जो हमें कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें जो अब वेतनमान जो अब फिक्स किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डिपू धारकों के विरोध पर कहा कि ऐसे कुछ लोग कांगड़ा चंबा में मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात की जाएगी, और दावा किया कि विरोध के बावजूद भी कांगड़ा चंबा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कुछ बातें ऐसे अनावश्यक, वो कम लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन किशन कपूर जी वहाँ पर एक ईमानदार नेता के रूप में वहाँ पर स्थापित है, कांगड़ा में, पूरे प्रदेश भर में, और उनकी जीत भी बहुत शानदार जीत होने वाली है। गौरतलब है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 4925 डिपू धारक हैं, जो कि लंबे समय से सरकार से सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ साथ न्यूनतम वेतनमान की मांग कर रहे हैं, लेकिन खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर की अनदेखी से डिपू धारक अब गुस्से में है, जिस कारण कांगड़ा चंबा सीट के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।